Luckily, I'm Harshita Mahanta on behalf of Ashoka House. So I am introduced to our topic on the auspicious inauguration of display board decoration. So we got the best topic, that is Indian Constitution. Maybe every one of you know about, but to know more, let me take you through our display board. So here we have Constitution of India, Bharat ka Samvidhan. भारत का संविधान देश का कानून ही देश का संविधान कहलाता है। इस धर्म शास्त्र, विधि शास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। Here we have Dr. Bhimrao, Indian communist, economist, social reformer and political leader who headed the committee drafting the Constitution of India. Here we have the Ashok Stambh. So the Ashok Stambh have four lions and the pillar that symbolized Ashoka's rule over all the four directions. The wheel symbolize and enlighten the rule of the four animals, symbolizes four adjoining the fundamental rights of from Article 12 to 35, that containing the Part 3, cultural and educational rights, right to constitutional release. Symbol of Indian Constitution, which is also known as the Udhinishik of the Constitution. So, Bharatiya Samvidhan. बच्चों, आपने एक तो डिस्प्ले बोर्ड को बहुत ही सजाया और इन्फॉर्मेटिव रखा, और उन देशों के नाम भी बताए जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और जिनकी वजह से हम ये हमारा संविधान बना पाए। किसी से हमने फंडामेंटल राइट लिए, किसी से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली, और कई देशों से हमने उनके संविधान की अच्छी अच्छी चीज़ें ली, और देश दुनिया में हमारा सबसे बड़ा संविधान बनाकर बाबा साहब अंबेडकर जी के सहयोग से हमने ये पूरा किया। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए नहीं, भारत को अंग्रेजों की गुलामों मतलब गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपना सहयोग दिया। हाँ, जो असम से मुगल राज्य के राजाओं को हमारे असम एंड टू ऑल माय जूनियर्स अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई कम टू यू ऑन बिहाफ ऑफ शिवाजी हाउस इज गोइंग टू प्रेजेंट दिस टू ऑल ऑफ यू। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी चीज है जिसे हमारे शिवाजी हाउस के मेंबर्स ने खुद एक्सक्लूसिवली काटा, सजाया, कलर किया, सब हमने खुद किए। हमें टॉपिक मिला था एक भारत श्रेष्ठ भारत, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सर, इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं कुछ कहना चाहूँगी। भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, कल्चर, फूड, कि इस बोर्ड में वो सब लगाना इम्पॉसिबल। हमने ट्राई काफ़ी की कि कितनी चीज़ें हम लगा सकते हैं। देख सकते हो काफ़ी भर चुका है, हमारे पास काफ़ी सामान बच चुके थे पर हम लगा नहीं पाए। एनीवेज, हमने बोर्ड को बेसिकली चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ईस्ट असम से स्टार्ट होते हुए मिडिल पार्ट हमने छोड़ दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या उसे एक्सप्लेन करने के लिए। देन यहाँ पे कश्मीर, जम्मू,
यहाँ पे महाराष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम मोदी ने, श्री मोदी जी ने जिनके 140th बर्थडे पे ये एक्चुअली में एक बार शेष भारत स्कीम को लॉन्च किया था उनके बारे में भी लिखा है। दिस इज महाराष्ट्र तमिलनाडु, फिर ये है ओनम फेस्टिवल्स मैंडेटरी वन, फिर इंडिया, फिर हमने यहाँ पे वेस्ट बंगाल साउथ इंडियन कल्चर, और एक चीज़ जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है वो है क्वेश्चन आंसर्स। काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं कि एक भाषा शेष भारत है क्या, उसमें होता क्या है। तो हमने एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा, यहाँ पे ऐसे तीन क्वेश्चन है जो हमने लोगों से पूछा अपने मेंबर्स से कि क्या है। तो यहाँ पे है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक भारत शेष भारत, हु लॉन्च एक भारत शेष भारत, एंड हाउ सेलिब्रेट एक भारत शेष भारत। यहाँ आंसर्स है, किसी को भी मिल सकता है। देन ये सारे स्टेट्स हैं, ऑल 29 स्टेट्स, उसके कल्चर्स, उसके मॉन्यूमेंट्स सब हमने यहाँ पे पेस्ट किया ताकि हम डाइवर्सिटी को नहीं था, बट फिर भी दीज आर सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट इन इंडिया जो कि डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट रिलीजियस को बिलोंग नहीं करते, बट फिर भी दिस इज लुक्स ब्यूटीफुल, तो हमने चिपका लिया। और फिर हमारे हाउस ने काफ़ी ट्राई किया है कि इंडिया की डाइवर्सिटी को शो कर पाए, एंड आई होप कि बेटा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, yes, sir. इसकी शुरुआत हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने की है, yes, sir. एक बात बताएंगे कि हमारे देश की क्या विशेषता है? सर हमारे देश का एक बहुत अच्छा पॉलिसी है कि हम एक ऐसे देश है जिसमें एक बड़ा सा थाली ले लो पूरे देश का, अगर हम सारे स्टेट्स के अगर फूड जो है मेन फूड को उस थाली में भरना चाहे हम उस थाली को भर नहीं पाएंगे। इससे ये समझ में आता है कि वो थाली अगर कंट्री है उसमें इतनी तरह तरह के लोग हैं जो एक साथ फिट तो आ जाएंगे पर फिर भी कम कभी नहीं पड़ेंगे, और एक दूसरे से कभी लड़ना झगड़ना ये हमें नहीं आता। हाँ कभी कभी नोकझोंक हो जाती है, उसके बिना कभी पूरा नहीं होता देश, यानी विभिन्नताओं में एकता हमारी देश की विशेषता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गुड, सुपर। मैं आज मैं क्या कर इच्छा करी आज आप लोगों के समक्ष टैगोर सदन की तरफ से हमारा प्रदर्शनी तत्व लेके प्रस्तुत हूँ। हमारे प्रदर्शनी तत्व का विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव। पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या? आप सबको पता है कि इस वर्ष के 15 अगस्त में हमारे देश ने आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया है, और इसके अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2 सालों को मिलाकर यानी 2021 और 2022 को मिलाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत भारत के हर एक नागरिक स्वतंत्रता सेनानियों के सैक्रिफाइसेस को याद करता है और उनको बारे में सोच के गर्व करता है, ना कि सिर्फ सिटीजन्स, विद्यालय कार्यालय और संगठनों में भी धूमधाम से मनाया गया। तो चलिए मैं आपको हमारे प्रदर्शनी तट की ओर लेके जाता हूँ। पहले हमने यहाँ एक अंतरिक्ष यान बनाया है जो दर्शाता है कि हमारे भारत ने इन 75 वर्ष में कितनी उन्नति की है। फिर हमारे कुछ बहुत सक्षम बच्चों ने अपनी भावनाओं को अनुच्छेद में लिखकर यहाँ दर्शाया है। यहाँ हमारे बच्चों ने हिंदी भाषा में लिखा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव असल में है क्या और उसके इम्पोर्टेंस को बोला गया है। यह उसी चीज़ को हमने अंग्रेजी में दिया है ताकि हर एक इंसान को ये समझ में आ सके। यह हमने फिर से हमारे किसी दोस्त ने ही बनाया है और कुछ बच्चों ने अपनी भावनाओं को चित्र के रूप में यहाँ बनाया है। साथ में हम देख सकते हैं कि हमारे राइट साइड में हमने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को बनाया है। हमने हमारा आधा से थोड़ा सा कम जगह, मतलब हमने हमारा मोस्ट पार्ट इसी में दे दिया है क्योंकि यही हमारे भारत के सबसे इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने हमारे भारत को इंडिपेंडेंस बनाया, जिनके लिए हम अभी विद्यालय में बिना डर से पढ़ सकते हैं। हमने बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, गोपीनाथ बोरदोलोई जो हमारे असम के फ्रीडम फाइटर हैं, और कनकलता बरुआ, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। हमारे बच्चों ने आपके समक्ष लाने के लिए बहुत प्रयास किया है। हमने छोटे से बड़े तक हर एक बच्चे को ये चांस दिया है कि वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाए अनुच्छेद और चित्रों के रूप में। आशा